मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारे चैनल पे फिलहाल तो सेशन चला रखा है, वो है RPSC सेकंड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो साथियों, मेरा ये प्रयास है कि अपने चैनल पे मैं आपके सेकंड ग्रेड इंग्लिश से जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, उन सबको वन बाय वन करके कवर करूं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था दैट वाज नाउन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नाउन में ही हम अब नंबर, जेंडर और केस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है साथियों, वो है हमारा सेशन नंबर के बारे में। तो आज मैंने अपने सेशन में सिर्फ 5 पॉइंट्स में आपको रेगुलर वेरिएबल नंबर को डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। और रेगुलर वेरिएबल नंबर में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी साथियों, सिर्फ आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से स्टडी कर लीजिए और फिर आपके रेगुलर वेरिएबल नंबर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके बाद मैं अगले सेशन में आपको इररेगुलर वेरिएबल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और साथियों, एक आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप लोगों के जो भी सजेशन है, अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और किस प्रकार से हमारी क्लास चल रही है, किस प्रकार से आप लोगों को कोई कमी लग रही हो इसमें, या किसी भी प्रकार का आप सुधार चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आप सजेस्ट कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं साथियों आगे मेरे समय गवाए। और आज का जो हमारा पॉइंट है साथियों, दैट इज नंबर। और नंबर में जो आपका फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए जो मैंने प्रिपेयर किया है साथियों, उस फर्स्ट पॉइंट में हमने आज नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज वेरिएबल नंबर, सेकंड पार्ट इज नोन एज इनवेरिएबल नंबर। साथियों, वेरिएबल नंबर, तो वेरिएबल जो वर्ड है वो बना है वैरायटी से, वैरायटी जिसमें आप बहुत सारे काइंड्स देखने को मिले, तो उसी वैरायटी से बना है वेरिएबल नंबर। तो एक बात तो आप लोग ये ध्यान रखें कि वैरायटी से बना आपका वेरिएबल, और आपके जो इनवेरिएबल नंबर है दैट इज जस्ट वाइस वर्सा और दैट इज जस्ट अपोजिट टू वेरिएबल नंबर। अब वेरिएबल नंबर में क्या क्या खास बातें वो डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे इनवेरिएबल नंबर की। तो साथियों, वेरिएबल नंबर जो है इसमें हमें दो वेरायटी देखने को मिलेगी, एक है सिंगुलर और दूसरी है प्लूरल। जैसे कि हम देखते हैं साथियों कि जो भी नाउन है उसका एक सिंगुलर फॉर्म होगा और एक होगा प्लूरल फॉर्म। तो उसके प्लूरल फॉर्म में किस प्रकार से हम उसका प्लूरल बनाएंगे, इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सरसाइज के माध्यम से इसे देख सकते हैं साथियों। तो प्लूरल नंबर जो है उसको हम दो प्रकार से किसी भी नाउन को प्लूरल बनाते हैं साथियों, एक तो आता है आपके रेगुलर वेरिएबल नंबर, एक आता है आपके इररेगुलर वेरिएबल नंबर। तो रेगुलर वेरिएबल नंबर मींस हम एस, ईएस या आईईएस किसी नाउन के एंड में लगाकर, फिर से सुनिए देखा ध्यान से साथियों, कि किसी भी नाउन के लास्ट में हम जब एस लगाएं या ईएस लगाएं या आईईएस लगाएं, एस, ईएस या आईईएस लगाकर किसी भी नाउन के लास्ट में हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। और ये जो प्लूरल फॉर्म बनाना होगा, जो कि एस, ईएस या आईईएस माध्यम से बनेगा, ये होगा साथ आपके रेगुलर वेरिएबल नंबर। मींस रेगुलरली, जनरली हम इस प्रकार से एस, ईएस या आईईएस का यूज करके सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें साथियों आगे आपके इररेगुलर वेरिएबल नंबर, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस, ईएस या आईईएस ऐड करने से नहीं बल्कि वो डिफरेंट वे में प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, तो वो जो जिस कैटेगरी में उस वो प्लूरल फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे साथियों इररेगुलर वेरिएबल नंबर, जिसका भी डिस्कशन मैं आपको करने वाला हूं। तो सबसे पहले आज के सेशन में साथियों पढ़ेंगे रेगुलर वेरिएबल नंबर में कौन कौन सी खास बातें हैं, जैसे नाउन के लास्ट में एस, ईएस या आईईएस ऐड करके हम किस प्रकार से उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अब ये तो आपके वैरायटी की बात की हमने फर्स्ट पॉइंट में, कि नंबर में वैरायटी कौन कौन सी होगी, जिसको आप आशा करता हूं आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और अब इसमें सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं साथियों। सेकंड पॉइंट है कि नाउन जो है साथियों, नाउन में हम लोग 3 चीजों की स्टडी करेंगे जबकि प्रोनाउन में हम 4 चीजों की स्टडी करते हैं। ये भी एक कॉमन पॉइंट है साथियों, ये भी ध्यान रखने की बात है। जैसे हमने सबसे पहले नाउन पढ़ा, अब नाउन में पढ़ने वाले हैं नंबर, जेंडर और केस। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट चल रहा है दैट इज नंबर। और प्रोनाउन जब हम डिस्कस करेंगे तो प्रोनाउन में साथियों पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं वो है पर्सन, उसके बाद हम वही सेम नाउन की तरह नंबर, जेंडर और केस। तो नाउन में हम 3 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, नंबर, जेंडर और केस। और केस मींस सर साथियों, केस मींस कारक, हिंदी में अगर बात करें तो जो कारक है संस्कृत में जो कारक होते हैं वही केस मींस कारक जो है वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं।
प्रोनाउन की अगर बात करें तो पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। प्रोनाउन में एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा करेंगे वो पढ़ेंगे पर्सन, जो कि सबको पता है बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होंगे और थर्ड पर्सन कौन से होंगे, ये सब आपको पता है साथियों, बिल्कुल कॉमन बात है और एमएस की स्टडी प्रोनाउन में भी डेफिनेटली करेंगे। अब ये आपके पॉइंट नंबर हो गया सेकंड, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इसमें हमने सिर्फ ये स्टडी की है साथियों कि नाउन और प्रोनाउन में, प्रोनाउन में हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा स्टडी करने वाले हैं जो कि है पर्सन। अब आपका आता है पॉइंट नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा साथियों। अब आपके पॉइंट नंबर थर्ड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि नंबर का संबंध किस प्रकार से साउंड वेरिएशन से है, कि यदि साउंड वेरिएशन है तो नंबर किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल बनने वाला है। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे साथियों। आप यहां देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, दैट इज सिटी, और सिटी का प्लूरल फॉर्म हमने डिसाइड किया साथियों सिटीज। तो ये सिटी का सिटीज रेगुलर वेरिएबल नंबर की कैटेगरी में किस प्रकार से आया और इसका साउंड वेरिएशन से क्या इसका रिलेशन है वो हम इसमें ध्यान से पूर्वक देखेंगे साथियों। अगर मैं सिटी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे जाऊं तो ये आपके सामने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है साथियों, जिसमें वाई जो है इसके साउंड को बताने के लिए मैंने लास्ट में आपको सिटी ये आई लिखा है, इसमें ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अब यदि इस सिटी का मैं प्लूरल फॉर्म बनाऊं सिटीज, तो साथियों आप यहां देख सकते हैं कि इसमें आई ई एस को बताने के लिए, सिटीज IES को बताने के लिए मैंने यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो लिखा है वो इसमें IES को मैंने बता रहा है I और Z के माध्यम से। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में सिटी था वो यह सिटीज बना, इसके रूट वर्ड को देखेंगे सिटी का सिटीज बना। अब आप आइए इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे हम डिस्कस करेंगे कि सिटीज किस प्रकार से बना है, ये जो सिटी थी इसका सिटीज किस प्रकार से बना। तो साथियों इसमें आप देखिए SITI ये इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन हुआ। अब इस सिटी, ये हुआ सिटी, अब इसमें इसमें ऐड किया हमने सिटीज, यानी इज, ई और जे का साउंड इसमें ऐड किया साथियों हमने, ध्यान पूर्वक देखिए। अब ये हुआ आई का साउंड, ई का साउंड और ये हुआ जे का साउंड। अब साथियों सिटी में लास्ट में ई का साउंड है और इज में ये आई आपको यहां ये भी ई का साउंड है। अब ये स्मॉल ई और ये स्मॉल ई दोनों मिलकर बन गए आपके लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करने वाला ई। ये कैसा क्यों, ये देखिए ये आई जो स्मॉल आई है वो बता रहा आपके सिंगल ई के साउंड को, ई ई साउंड को बता रहा साथियों। अब ये ई साउंड जो है वो सिटी में लास्ट में ई साउंड और सिटीज, अब ईज के लास्ट में जो आई साउंड है वो दोनों मिलेंगे साथियों। और ये छोटा आई, ये छोटा आई मीन छोटी ई का साउंड है और फिर दोबारा से छोटी ई का साउंड, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे साथियों, ये बन जाएंगे बड़ी ई का साउंड, लॉन्ग साउंड हो जाएगा ई। तो ये सिटी से बना इस प्रकार से सिटीज। तो ये आप देख पा रहे हो साथियों, ये जो लॉन्ग साउंड आप ई का जो लॉन्ग साउंड देख रहे हो वो कहां से प्रोड्यूस हुआ साथियों, वो आपके सिटी में लास्ट में जो आपके स्मॉल साउंड था ई का और इसके लास्ट में जो स्मॉल साउंड था आपके ई का, उन दोनों को मिला के साथियों ये आपका जो लॉन्ग साउंड है वो बन गया ई। तो इस प्रकार से सिटी का बन गया सिटीज। तो मैं आपको बीच में ये साउंड वेरिएशन इस प्रकार इसलिए बताना चाह रहा हूं साथियों कि यदि सेम साउंड होगा साथियों तो सेम साउंड होने की स्थिति में आपके रेगुलर वेरिएबल नंबर बनेगा, यहां भी ई का साउंड है और यहां भी ई का साउंड है। तो सेम साउंड होने की स्थिति में साथियों जो सेम साउंड होगा वो बनाएगा आपके रेगुलर वेरिएबल नंबर को, और यदि इसी साउंड को मैं चेंज कर दूं, यदि साउंड की वैरायटी यहां मैं शो करूं, तो साथियों ये एक एग्जांपल आपके लिए लिखा, आप देख सकते हो वाइफ और इसका बना वाइव्स। तो यहां जो फे मींस जो फे का साउंड था साथियों लास्ट में, ये यहां फे का साउंड बना वे के साउंड में कन्वर्ट हो गया साथियों यहां पर। तो फे का साउंड वे के साउंड में कन्वर्ट हुआ, मेन साउंड कैसे हो गया साथियों डिफरेंट साउंड, और डिफरेंट साउंड होने की स्थिति में वो जो नंबर है वो किस कैटेगरी में काउंट होगा, वो होगा आपके इरेगुलर वेरिएबल नंबर में, वो होगा आपके इरेगुलर वेरिएबल नंबर में।
तो रेगुलर वेरिएबल नंबर में क्या होगा साथियों, रेगुलर वेरिएबल नंबर में सिंगुलर और प्लूरल में साउंड वेरिएशन होगा सेम, यानी सेम साउंड होगा। आप देख सकते हो सिटी में यहाँ आपके दोनों ही वर्ड्स जो हैं उनके लास्ट में सिंगुलर और प्लूरल के लास्ट में आपके यहाँ स्मॉल साउंड है ई और यहाँ आपके लॉन्ग साउंड हो गया ई। सेम साउंड होने की स्थिति में वर्ड जो है वो बनेगा आपके रेगुलर वेरिएबल नंबर। और यदि साउंड चेंज हो गया, यहाँ आप देख सकते हो साथियों फे का बन गया वे, तो डिफरेंट साउंड होने की कंडीशन में ये आपके प्लूरल बनेगा, जो नंबर बनेगा वो होगा इरेगुलर वेरिएबल नंबर। तो साथियों ये साउंड वेरिएशन आप जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सेम साउंड होगा तो रेगुलर वेरिएबल नंबर बनेगा, और यदि डिफरेंट साउंड होगा उस कंडीशन में इरेगुलर वेरिएबल नंबर की कैटेगरी में वो वर्ड आएगा। तो साउंड वेरिएशन इन एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने क्लियर किए हैं, बाकी और भी आप अपने स्तर पे जो भी एक्सरसाइज है उनमें साउंड वेरिएशन को अच्छे से इस प्रकार से समझ सकते हैं साथियों। और साउंड वेरिएशन संबंध में आपके किसी भी प्रकार के इस बारे में कोई कंफ्यूजन है साथियों माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में आपके जाके जरूर इसके बारे में क्वेरीज आप पुट अप कर सकते हैं। तो साथियों ये वो आपके पॉइंट नंबर थर्ड साउंड वेरिएशन, दैट वाज रिलेटेड टू साउंड वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ। अब पॉइंट नंबर फोर्थ जो है साथियों वो है आपके जो रेगुलर वेरिएशन है, यानी सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे एस ऐड करके, ई एस ऐड करके और आई एस ई ऐड करके, तो वो सब हम देखेंगे साथियों। अब एस को ऐड करके और हम किसी भी नाउन में एस को यदि ऐड करें तो हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, तो बहुत आसान चीज है साथियों। और ये आपके किसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में कम से कम अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड के आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, तो इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से पुट अप नहीं होने वाला। ये तो बिल्कुल आसान चीज है जो कि आपके बिल्कुल आपके स्कूल लेवल पे भी बहुत है, आपके थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में ये सब चीजें आ जाती है साथियों। इसलिए इसके संबंध में तो आप एक जनरल टॉकिंग कर रहे हैं यहाँ कि यदि किसी नाउन के लास्ट में ऐसे लगेगा तो उसका प्लूरल बन जाएगा। बहुत सारे हम एग्जांपल चेयर से, पेन से, फैन से बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं साथियों। तो इस बारे में तो कोई खास बात नहीं, बिल्कुल कॉमन है और इसका आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाने वाला साथियों। अब हम बात करेंगे इसके बाद ईएस की, कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में, जैसे ये भी कॉमन बात है साथियों पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड इन छह में से कोई सा भी लेटर या लेटर्स अगर लास्ट में आ जाते हैं तो उस नाउन के लास्ट में ईएस लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ये आपको याद रखना साथियों, एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड में से कोई सा भी लेटर या लेटर्स किसी नाउन के लास्ट में आएंगे तो उसमें ऐड होगा ईएस और उसका प्लूरल बनेगा। लेकिन इसमें बहुत खास बात है साथियों जो कि एक्सेप्शन है और एग्जाम में सर साथियों आपको एक्सेप्शन ही जनरली एग्जामिनर पूछने वाला है, तो एक्सेप्शन को ध्यान से समझिएगा साथियों। आपको यहां मैंने एक खास बात बताई है साथियों, इंपॉर्टेंट फोर नंबर फोर पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए मार्क कर रहा हूं। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ लिखा हुआ है तो जैसे कि हमने ऊपर स्टडी की, ओ आने पे उसमें ई एस एड हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन साथियों कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको हम एक्सेप्शन कैटेगरी में डालते हैं। एक्सेप्शन तो है लेकिन वाई, उनका क्या कारण है कि वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं, वो चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आज। तो साथियों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ओ में यदि मैं एस ऐड करूं तो भी उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। किसी वर्ड के लास्ट में ओ आने पर उसमें ईएस ऐड नहीं किया जाकर सिर्फ एस ऐड हो रहा है और एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाया जा रहा है, उन सब ऐसे नाउंस को हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन में ऐसी क्या खास बात है साथियों, वो ध्यान से समझिएगा। अब आप देख सकते हैं साथियों ओ में एस ऐड होने पे उसका प्लूरल बन रहा है, उसमें ईएस ऐड नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल देखेंगे, मैंने कहा फोटो, फोटो में साथियों मैंने लगाया एस, फोटो का लिखा फोटोज, तो साथियों इसमें पी एच ओ टी ओ, यदि मैं पुराने रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो जिस वर्ड के लास्ट में ओ आए उसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना होगा, उसमें उसे मैं ऐड करूंगा ईएस। लेकिन साथियों ये एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में क्यों है, वो रीजन समझिए आप ध्यान से। इसमें मैंने कहा फोटो में आपने एस लगाया, रेडियो में आपने एस लगाया सिर्फ, वीडियो में भी आपने सिर्फ एस लगाया, ईएस नहीं लगाया, सोलो में भी आपने सिर्फ एस ही लगाया। तो यहां देख सकते हैं साथियों इन नाउंस के लास्ट में सिर्फ ओ यहां लिखे हुए हम देख सकते हैं,
और ओ होने के बावजूद भी हमने इनमें ईएस ऐड नहीं किया, ये एक्सेप्शन है तो क्यों है एक्सेप्शन। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में ओ होने के बावजूद भी उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें ईएस नहीं बल्कि एस ऐड करके ही उनका प्लूरल फॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसके क्या रीजन है, जैसे कि कई लोग बताते हैं इसमें कि ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, तो साथियों एक्सेप्शन क्यों है इसका ध्यान से हमें आज ये चीज समझनी है साथियों कि ये सब चीजें एक्सेप्शन की कैटेगरी में क्यों लिखी गई है। अब आप देखते हैं साथियों इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा फोटो, फोटो में आप एस लगा इसमें और लास्ट में ओ होने के बावजूद भी मैंने एस लिखा। रेडियो में ओ होने के बावजूद एस लिखा। वीडियो में ओ होने के बावजूद एस लिखा और सोलो में भी ओ होने के बावजूद भी हमने यहाँ एस ही लिखा। जबकि हमने रूल क्या पढ़ा था, जिस वर्ड के लास्ट में ओ आए उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें उसमें ईएस ऐड करना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ हमने ओ ही ऐड क्यों किया है साथियों। तो इसका रीजन ध्यान से सुनेगा साथियों, जो भी नेचुरल नाउंस है, जो भी गॉड मेड नाउंस है, यानी ईश्वर के द्वारा बनाए गए जो भी संज्ञाएं हैं, जो भी नाउंस है जो नेचुरल है, वो नेचुरल नाउंस के लास्ट में ओ है अगर तो उसका प्लूरल बनेगा ईएस को ऐड करने से, और यदि कोई आर्टिफिशियल या अननेचुरल या आप कह सकते हैं मैन मेड जो भी नाउंस है उनके लास्ट में यदि ओ है तो उनका प्लूरल हम बनाएंगे सिर्फ उनमें एस ऐड करके, उनमें ईएस ऐड नहीं होगा साथियों। एग्जांपल से आप समझ सकते हो, यहां देखते हैं जैसे आपने पी एच ओ टी ओ, यहां फोटो के लास्ट में साथियों ओ था, हमने इसमें एस ही ऐड किया। रेडियो में ओ के लास्ट में एस ही ऐड किया, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें हैं आर्टिफिशियल यानी मैन मेड जो भी नाउंस होंगे, व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो भी कृत्रिम चीजें होगी, कृत्रिम संज्ञाएं होगी, उनके लास्ट में ओ होने के बावजूद भी उनका प्लूरल हम जो है एस लगाकर ही करेंगे। जबकि जो भी गॉड मेड या नेचुरल थिंग्स होगी, जो भी नेचुरल नाउंस होंगे, उनके लास्ट में ओ होने पर उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस ऐड करना होगा। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, पॉइंट नंबर 4 जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिफिशियल वर्ड है और उसके लास्ट में ओ है तो आर्टिफिशियल वर्ड के लास्ट में ओ होने पे उसका प्लूरल बनेगा सिर्फ एस ऐड करने से। जैसे कि आप फोटो का फोटोज, रेडियो का रेडियोज, वीडियो का वीडियोज, सोलो का सोलोज देख सकते हो। और जो भी नेचुरल चीजें होगी साथियों, वो नेचुरल नाउंस के लास्ट में ईएस लगेगा। यदि नेचुरल नाउन के लास्ट में ओ है और उसका प्लूरल बनाना है तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे ईएस, वो सिर्फ एस से प्लूरल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 4 से हमने एक्सेप्शन क्लियर कर लिए हैं, और एक्सेप्शन में हमने समझा कि आर्टिफिशियल वर्ड के लास्ट में होने पे एस लगा के प्लूरल बनेगा और नेचुरल वर्ड के लास्ट में होने पे उसमें ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि पोटैटोज आप देख सकते हो, बैम्बूज आप देख सकते हो साथियों, इसमें ओ है, ओ के साथ में यहाँ लगा ईएस, यहाँ ओ के साथ में लगा ईएस, वो इसलिए लगा क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। तो आशा करता हूँ साथियों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें आईईएस किस प्रकार से, कौन कौन से नाउन के लास्ट में लगता है, इसमें भी एक खास बात है थोड़ी सी वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे आर्मी का, जैसे ये बिल्कुल कॉमन है साथियों, यदि वाईएस वर्ड किसी नाउन के लास्ट में वाई है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हम रिप्लेस कर देते हैं आईईएस से। ये तो बहुत आसान चीज है सबको, आपको आशा करता हूँ सबको इतनी कॉमन बात तो समझ में बिल्कुल पहले ही आप लोगों ने समझ ली होगी। आर्मी का जैसे मैंने वाई को टैग किया आईईएस करके आर्मीज कर दिया, स्टोरी में वाई को टैग किया इसकी जगह लिखा आईईएस, यानी सिंपल है यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई लिखा हुआ है उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को टैग किया आईईएस लगा देंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या साथियों, वो आप देख सकते हैं, यदि मैं बोलूं बी ओ वाई तो साथियों इसे बी ओ वाई का बी ओ वाई एस ही कर रहे हैं, बी ओ आई ई एस नहीं कर रहे, वाई को टके आई एस यहाँ क्यों नहीं लग रहा साथियों। तो ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ जो बॉय नाउन है इस वाई के पहले यहाँ आप देख पा रहे हो ये है वोवल लेटर, यहाँ आपके स्टोरी मीन जो बिल्डिंग होती है आप देख पा रहे हो, यहाँ वाई के जस्ट पहले आप देख पा रहे हो ये भी यहाँ वोवल लेटर है, यहाँ वोवल लेटर है। तो यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई है और इस वाई से जस्ट पहले वोवल लेटर है तो वोवल लेटर होने की स्थिति में हम उसके हम उस वाई के लास्ट में सिर्फ एस लगाकर ही उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। देख सकते हो बॉय का बॉयज वाई के साथ में सिर्फ एस लगाया, स्टोरी का स्टोरेज इसमें वाई के साथ में सिर्फ एस लगाया। और यहां देख सकते हो एक और एग्जांपल आपके सामने, की
ई में लास्ट में लिखा हुआ है y, तो y के जस्ट पहले यहां देख पा रहे हैं साथियों ये है वोवल लेटर। वोवल लेटर होने की स्थिति में y को हटा के is नहीं लगाएंगे बल्कि y के साथ हम सिर्फ s ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से बॉयज स्टोरेज कीज, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी है साथियों माइंड में कि यदि किसी वर्ड के यदि किसी नाउन के लास्ट में y लिखा हुआ है, y के पहले यदि वोवल लेटर है उस स्थिति में उसका प्लूरल फॉर्म s लगाकर ही बनेगा, अदरवाइज y को टाकर is से प्लूरल फॉर्म बना देंगे। सिंपल है बिल्कुल साथियों। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर वर्ड। और साथियों इसमें ये एक एक्सेप्शन में भी आता है ये वर्ड, ये आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको पर्टिकुलर एक ऐसा वर्ड बताया साथियों जो कि एक्सेप्शन की कैटेगरी में भी आता है और ये आपको समझना बहुत आवश्यक है साथियों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैंने इस पॉइंट नंबर 5 में आपको एक पर्टिकुलर नाउन बताया है, दैट इज सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का पहले आपको मैं मीनिंग बताता हूं साथियों। सोलिलोक्वी का मतलब है खुद के द्वारा कहा गया कोई कथन, मींस ए स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी खुद के द्वारा ही कहा गया कोई कथन है उसको हम बोलते हैं सोलिलोक्वी। इसमें एक बात आप याद रखिए साथियों, जैसे कि इसके लास्ट में आप देख पा रहे हैं वाई है, तो मैंने आपको बताया कि किसी वर्ड के लास्ट में यदि वाई है, वाई के पहले ओवल लेटर आ जाए तो उस स्थिति में हम सिर्फ उसमें वाई को आई एस से रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि वाई में एस ही लगाएंगे। जबकि इस वर्ड में हमने सोलिलोक्वी का प्लूरल फॉर्म बनाया है तो उसमें वाई को रिप्लेस किया हमने आई एस से साथियों। तो ऐसा क्यों कि हमने, अभी याद रखिएगा साथियों, यदि किसी नाउन के लास्ट में क्यू यू वाई लिखा हुआ है, फिर सुन लेना ध्यान से साथियों, यदि किसी नाउन के लास्ट में लिखा हुआ है क्यू यू वाई तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वाई को हम रिप्लेस करेंगे आई ई एस से। प्रेजेंट में हम जब डिस्कस करेंगे उस समय आपको बताऊंगा साथियों सोलिलोक्वी भी आपके लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो वहां डिस्कस करेंगे। और सोलिलोक्वी जिसका मतलब है स्वागत कथन, इस वर्ड में साथियों आप देख पा रहे हो वाई के पहले वोवल लेटर है। अभी हमने पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस किया था यदि वाई के पहले वोवल लेटर है तो हम उसमें सिर्फ एस को ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जबकि यहां साथियों सोलिलोक्वी में आप देख सकते हो कि मैंने वाई को रिप्लेस किया है आई एस से। तो साथियों ये था आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 जो कि आज का लास्ट पॉइंट था। अब इसके बाद अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा इरेगुलर वेरिएबल नंबर के बारे में। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है साथियों रेगुलर वेरिएबल नंबर, तो नंबर में रेगुलर वेरिएबल नंबर में आपको कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साथियों बेसिक पॉइंट्स सबको पता है, सबको अच्छी तरह पता है कि बेसिक पॉइंट क्या क्या है। फिर भी अपनी तरफ से मैंने वो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए इस आज के चैप्टर में रेगुलर वेरिएबल नंबर से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस किए हैं। और अगले सेशन में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इरेगुलर वेरिएबल नंबर। और साथियों हमारे क्लास के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, कोई इसमें संशोधन करना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं साथियों इरेगुलर वेरिएबल नंबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।